वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उस सीरीज में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? जब हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं तो बिजनेस सिचुएशन में अलग अलग तरीके से, बिजनेस ऑपरेशंस में अलग अलग तरीके से हम इकोनॉमिक मोड्स, इकोनॉमिक थ्योरीज़ का यूज़ करते हैं बिजनेस में, तो ये एक मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स कंसिस्ट क्या करता है, एक इकोनॉमिक मोड्स कंसिस्ट करता है, इकोनॉमिक मोड को बताता है, और जिसमें हम अपने बिजनेस सिचुएशन में इकोनॉमिक थ्योरी को अप्लाई करते हैं, लाइक डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्राइस एक्सेट्रा। इन थ्योरीज़ का यूज़ करके हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की थ्योरी का यूज़ करके हम बिजनेस प्रैक्टिस को और अच्छा बनाते हैं और परफेक्ट बनाते हैं और बिजनेस सिचुएशन को एनालाइज़ करते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंसिस्ट of use of economic modes of thought to analyze business situation। सबसे पहला पॉइंट ये बता रखा है कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो क्या कंसिस्ट करता है, इकोनॉमिक मोड्स को यूज़ करना, कौन कौन से मोड, इकोनॉमिक थॉट्स को यूज़ करना, इकोनॉमिक आइडियाज़ को यूज़ करना, जिससे आपके बिजनेस सिचुएशन को एनालाइज कर सके और बिजनेस सिचुएशन को और परफेक्ट बना सके और बिजनेस सिचुएशन को प्रॉफिटेबल बना सके, बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जा सके, बिजनेस को सर्वाइव की तरफ ले जा सके कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। तो एक तरीके से एक ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस के ग्रोथ करना, प्रॉफिट अर्न करना, वो सारी चीज के अंदर एक सपोर्ट के रूप में काम करता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इट इज़ डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विथ बिजनेस प्रैक्टिस फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय द मैनेजमेंट। अब ये क्या करता है, जो भी बिजनेस प्रैक्टिस है उसमें इकोनॉमिक थ्योरी को अप्लाई करता है, जिससे एक डिसीजन मेकिंग की पावर बढ़ती है और एक तरीके से डेटा एनालिसिस, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग डेटा एनालिसिस करेंगे, जिससे हम प्रॉफिट और लॉस को असरेंट करने में हमें हेल्प मिलता है, तो ये हमारे बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और हमारे बिजनेस में डिसीजन मेकिंग में, रिगार्डिंग टू फ्यूचरिस्टिक डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हेल्प करेगा। तो ये किसका काम है, इकोनॉमिक थ्योरी का काम है। इकोनॉमिक थ्योरी को जब हम अप्लाई करते हैं बिजनेस प्रैक्टिस में, तो एक तरीके से इंटीग्रेशन यानी कि उनका मिक्सअप होना इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस का, और फिर यहाँ पे एक तरीके से मैनेजमेंट होना, बिजनेस मैनेजमेंट होना और बिजनेस का डेवलपमेंट होना। तो एक तरीके से ये बता रखा है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक थ्योरी को इंक्लूड करता है किसके साथ, बिजनेस के साथ, जिससे बिजनेस और परफेक्टली तरीके से आगे बढ़ता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पर्पस इज टू शो हाउ इकोनॉमिक एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर्मुलेटिंग बिजनेस प्लानिंग। एक तरीके से एक पर्पस ही है जिससे इकोनॉमिक एनालिसिस करके हम अपने बिजनेस प्लानिंग को फॉर्मुलेट करते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक मोड्स, इकोनॉमिक प्रैक्टिस का यूज़ करना बिजनेस के साथ, जिससे प्रॉपरली बिजनेस मैनेजमेंट हो, बिजनेस का डेवलपमेंट हो, बिजनेस आगे प्रॉफिटेबल बन सके। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ब्रिज द गैप बिटवीन प्योरली एनालिटिकल प्रॉब्लम डील विद इन इकोनॉमिक थ्योरी एंड डिसीजन प्रॉब्लम फेस्ड इन रियल बिजनेस। सिंपल सा जो हमने पहले मीनिंग पढ़ा उसी का अदर वर्ड्स में बताया गया है कि इकोनॉमिक थ्योरी को एनालाइज करना, इकोनॉमिक थ्योरी का यूज़ करना बिजनेस प्रैक्टिसेस में, बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और डिसीजन मेकिंग करना, यही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहलाता है और एक गैप को पूरा करता है, जो जो प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को सही करने का काम करता है। दस हेल्प इन आउट इन मेकिंग रैशनल चॉइसेस टू यील्ड मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ मिनिमम एफर्ट एंड रिसोर्सेज बाय मेकिंग बेस्ट सेलेक्शन अमॉन्ग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। बिजनेस में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करना जो बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद हो, वो
मैक्सिमम रिटर्न देने वाला हो, कम से कम एनर्जी लगने वाला हो, कम से कम कॉस्ट लगने वाला हो, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करने वाला हो। ये चीज़ कब होती है? जब हम इकोनॉमिक थ्योरीज़ का अपने बिज़नेस में यूज़ करते हैं, जिससे बिज़नेस प्रॉपरली मैनेज होगा और फिर ये आगे बिज़नेस का डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज़ें बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, कि ये पूरे गैप को फिल करता है, जो जो बिज़नेस प्रॉब्लम आती है उनके गैप को फिल करके बिज़नेस को डेवलप करता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा आज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में? डेफिनेशन पढ़ी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती क्या है और एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्या रोल है बिज़नेस के, बिज़नेस को डेवलप करने में कैसे रियल बिज़नेस में हेल्प करता है, इकोनॉमिक थ्योरीज जब हम अप्लाई करते हैं तो ये जो गैप होता है बिजनेस स्टैंडर्ड और एक्चुअल का वो ख़त्म करता है, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बनती है बिज़नेस की, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थ्योरी का यूज़ करने के बाद। जब हम इकोनॉमिक थ्योरी का यूज़ करते हैं तो मिनिमम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट पा लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात करा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की थ्योरी के बारे में, डेफिनेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में जो कई ऑथर्स के द्वारा दी गई वो हमने डिस्कस करी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। थैंक यू।